क्लास, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके आते ही है। ठीक, होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले ये देखिए। जब किसी बॉडी को हम ऐसे एक्सेलरेशन से फेंकते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए, तब वो मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि अगर हम कोई भी बॉडी को वर्टिकल से अलग, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, और यहाँ से हम इस तरीके से कोई बॉडी फेंकें ऊपर की ओर, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो बॉडी इस तरह का पाथ मूव करती हुई यहाँ पर ज़मीन पर आकर गिर जाएगी, यानी कि कर्व्ड पाथ ले लेगी, है ना, इस तरह का। तो ये मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, समझे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रूफ करिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ये एक पैराबोल है ना, मतलब कर्व्ड पाथ होता है। और पैराबोला की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी मैथ्स में, क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन होती है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये होती है पैराबोलिक की इक्वेशन। ठीक, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है लास्ट में, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये पाथ जो है वो कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक, अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर मान लीजिए इस वेलोसिटी से, ये देखिए यू वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को फेंका। ठीक, तो यू वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी और दूसरी वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल हमने ले ली यू एक्स और वर्टिकल हमने ले ली यू वाई। ठीक है, अब बॉडी चलते चलते यहाँ पॉइंट पी पर पहुँचती है, हाईएस्ट पॉइंट जो कहलाता है प्रोजेक्टाइल पाथ का, हाईएस्ट पॉइंट है ये पी। ठीक, पी पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एक्स। ठीक, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से बॉडी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, ऊपर नहीं जा रही है, इसलिए वाई एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आने लगी, इसलिए वी एक्स वेलोसिटी होगी। और जब यहाँ पर बॉडी आएगी तब क्या हो जाएगा, इधर ये मान लीजिए, ठीक, ये तो ये हो जाएगा हमारा यू एक्स और ये हो जाएगा हमारा यू वाई। इस तरीके से बॉडी यहाँ तक आ जाएगी। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट पी है ये मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब जहाँ से हम बॉडी को फेंकते हैं और जहाँ पर बॉडी आके गिरती है, ये डिस्टेंस कहलाती है रेंज, हॉरिजेंटल रेंज कहलाती है। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है उसको स्मॉल टी, और उतना ही टाइम ये स्मॉल टी लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक, ये कहलाता है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब कितने टाइम तक की बॉडी जो है वो फ्लाइट रही, फ्लाइट मतलब उड़ती रही। तो टूटी है टी ए और टी ये। ठीक, तो टूटी टाइम तक की जो है वो बॉडी का टाइम जो है वो कहलाता है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, क्लियर, ये हो गया डायग्राम। ठीक, एक बार अगर आप चाहो तो और देख सकते हो। यहाँ से देखिए हम, ठीक, यहाँ से बॉडी को फेंका u वेलोसिटी से, उसके दो कंपोनेंट हो गए u y और u x। यहाँ p पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगी इसकी, प्रोजेक्टाइल की। यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t। तो t प्लस t मतलब 2t, 2t टाइम जो है वो क्या होगा, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, और यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो होगी जीरो, क्योंकि अब बॉडी नीचे आना शुरू हो गई है, यहाँ से तो ऊपर जा रही है लेकिन अब यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और हॉरिजेंटल वेलोसिटी वी एक्स रहेगी। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस डेरिवेशन में। सबसे पहले हम हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे, तो आपको पता है हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस ले ली x। ठीक, ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की।
तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इक्वल टू होता है हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हमने ली, एक्स ले ली है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है, देखिए ये है इधर हॉरिजेंटल यानी कि यू एक्स, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है यू एक्स, और टाइम कितना है हमारा टी, टाइम कितना है टी, ठीक है टी टाइम में, ठीक टाइम हो गया हमारा टी, ठीक। अब देखो हम प्रूव कर चुके हैं कि यू एक्स इक्वल टू क्या होता है यू कॉस थीटा, हमने वेक्टर जो पढ़ा था उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में उसमें हमने निकाला था कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसलिए यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो अब वैल्यू रख दो तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक। ये तो हम हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन होती है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों होगा क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है इसलिए माइनस होगा, ठीक। h की जगह पर हम क्या लिख देंगे y, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना तो y एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा y, उधर हॉरिजेंटल था तो x लिखा था, वर्टिकल है तो y, ठीक। और u की जगह पर यू वाई लिखेंगे हम, ठीक है यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर वी नो दैट, वही हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने प्रूव किया है कि यू वाई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा, ठीक। वैल्यू पुट कर दो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। अब जो हमने यहाँ से देखिए जो टी की वैल्यू हमने निकाली थी वो वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने क्या निकाला था टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दो यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन ओपन करेंगे y इक्वल टू u और u कैंसिल, क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस, इधर क्या आ जाएगा हाफ g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पूरे टर्म को हमने क्या ले लिया a ले लिया ax, और इस पूरे टर्म को हमने b ले लिया बी एक्स स्क्वायर, आ गई उसी फॉर्म में इक्वेशन पैराबोला फॉर्म में। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पाथ जो है पैरा प्रोजेक्टाइल मोशन का वो कैसा होता है पैराबोलिक होता है, ओके। तो समझ में आया, सबसे पहले इस तरह का डायग्राम बनाया, ठीक है डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आप दोबारा देख सकते हो वीडियो, बार बार देखिए कि u वेलोसिटी से हमने बॉडी को फेंका है, ये उसकी वर्टिकल वेलोसिटी u y, हमने क्या कर दिया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर दिया, ठीक। और ये हो गया u x, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हॉरिजेंटल रह जाएगी केवल v x, ठीक है। अब उसके बाद हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट निकाली, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या किया टी की वैल्यू निकाल ली, फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से निकाली हमने और यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दी है, लास्ट में इक्वेशन इस तरह की आ जाएगी, ओके।